हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एजुटेनमेंट हब में। तो आज के 10 जी के क्वेश्चन, तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है। तो ऑप्शन है स्टील, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी ग्लास। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकेंड का टाइम है उत्तर देने के लिए, तो कमेंट में फटाफट से उत्तर बताएं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी ग्रेफाइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है। तो ऑप्शन है ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोलिस, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोलिसिस, ऑप्शन सी कमी, या ऑप्शन डी आयनीकरण। तो क्वेश्चन नंबर, तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का टाइम है उत्तर देने के लिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी कमी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन नोबल गैसों का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, या ऑप्शन डी कसीनन। अब आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का टाइम है उत्तर देने के लिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, जंग लगना एक प्रतिक्रिया है। ऑप्शन ए आयनीकरण, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी कमी, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का टाइम है उत्तर देने के लिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी ऑक्सीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, किस विज्ञान को कभी कभी केंद्रीय विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन ए भौतिकी, ऑप्शन बी जीव विज्ञान, ऑप्शन सी रसायन विज्ञान, या ऑप्शन डी भू विज्ञान। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का टाइम है उत्तर देने के लिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी रसायन विज्ञान। अब क्वेश्चन नंबर छः है, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दवा, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी कांच, या ऑप्शन डी उर्वरक। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का टाइम है उत्तर देने के लिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी उर्वरक। अब क्वेश्चन नंबर सात है, पानी की स्थायी कठोरता को जोड़ने से दूर किया जा सकता है। ऑप्शन ए फिटकरी, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी पोटेशियम परमैंगनेट, या ऑप्शन डी चूना। आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का टाइम है उत्तर देने के लिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत बल्ब में सामान्यतः भरी जाने वाली गैस है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बोनेट डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, या ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का टाइम है उत्तर देने के लिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी नाइट्रोजन। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है। ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, या ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का टाइम है उत्तर देने के लिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानी जाती है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का टाइम है उत्तर देने के लिए। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी
हाइड्रोजन। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन और उनके आंसर। तो आई होप कि आप लोगों ने खुद को रैंक किया होगा और कमेंट में बताया होगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन का आंसर आता है। तो ऐसे ही यूजफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल एजुटेनमेंट हब को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट ज़रूर करें, जिससे कि ऐसे जीके क्वेश्चन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहे। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।